तु सह नौ गुण स वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः ओ शांति 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 आज मकर संक्रांति है सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं संक्रांत मतलब चेंज हैपन्स और चेंज हमेशा सूर्य में होते हैं सूर्य से होते हैं जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सूर्य से होती हैं इसलिए भारतवर्ष में सूर्य को सेंटर मानते हुए सारी प्रकृति के बनने चलने मरने मिटने फिर नया सृजन जो है वो सौर ऊर्जा से सूर्य से हो रहा है सूर्य प्राण के संचार का जीवन के संचार का पेड़ पौधा पशु पक्षी मनुष्य सबके शरीरों का जो बनना है चलना है वो सब सौर ऊर्जा से हो रहा है उसका जो मूर्त रूप है वो तो आकाश में जिस सूर्य को तुम देखते हो वह है लेकिन सच्चाई ये है कि सौर ऊर्जा तो आपके शरीर में भी है और योग में हम जिसे सूर्य नाड़ी अथवा पिंगला बोलते हैं और इसी तरह से चंद्र नाड़ी अथवा इड़ा जिसको बोलते हैं तो सूर्य और चंद्र कहा दोनों ही मनुष्य की देह में है कई लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हमारे ऋषियों की जो बातें हैं वो सिंबॉलिक होती है बहुत सिंबलिज्म को यूज करते हैं और जो कुछ तुम्हें बाहर दिख रहा है ब्रह्मांड में तुम्हारे पिंड में भी सब कुछ वही है इसलिए आ, इस विशेष दिवस पर चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है चेंज सूर्य की वजह से हो रहा है इसलिए सूर्य उपासना जब मैं सूर्य उपासना कह रही हूं तो ये आ, उस अग्नि के पिंड की उपासना नहीं है वो तो बाहर का सिंबल है पर जिस ऊर्जा से आपका शरीर चल रहा है वह ऊर्जा आपकी देह में बराबर ठीक से बनी रहे ठीक से कार्य करती रहे ठीक से चलती रहे आप तेजस्वी रहे इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है आ, ऐसा तो एक्सपेक्टेड है होना भी चाहिए कि मनुष्य रोज स्नान करे लेकिन फिर हमारे ऋषियों को यह भी पता था ना कि आलसी जाहिल काहिल लोगों की कोई कमी नहीं है तो उन्होंने कहा कि जब संक्रांत हो तो उस दिन अवश्य में अगर कोई नदी पास में है कोई जल प्रपात पास में है कोई सरोवर पास में है तो फिर वहां जाकर के स्नान करे अगर मान लो नहीं है तो, तो क्या करे तो अपने घर के ही जल में सूर्य की धारणा करते हुए स्नान करें, जैसे आप अपने अंजलि में जल लिया और फिर मन में अपनी धारणा से अपनी भावना से उस सूर्य के पिंड की जो इमेज है वो अपने चित्त में ले आए और फिर हाथ में जल लिए हुए ओम भास्कर नमः बोलिए ओम सूर्याय नमः ओम आदित्या ये भले ये सिर्फ तीन ही मंत्र का उच्चारण करके और फिर अभी मंत्रित जल से आप स्नान करिए चीज वही होती है पर जब कोई उसको प्रेम से आपको भेंट करता है तो वो चीज नहीं रह जाती वो लव गिफ्ट हो जाता है तो वही है वस्तु का मूल्य नहीं होता है उसके पीछे की भावना का मूल्य होता है ऐसे ही पानी वही है पृथ्वी वही है जल आकाश अंतरिक्ष वही है लेकिन जब हमारी भावना बदल जाती है तो वो वस्तुएं भी अपने आप से बदल जाती है। अपने आप से चेंज हो जाती है। अभी सोचने का विषय यह आ जाता है कि हम लोग एक साधारण जीवन जब जीते हैं तो हमारे उस साधारण जीवन में हम ना सोचते हैं न विचार करते हैं ना मनन करते हैं क्या हो रहा है शरीर के अंदर बाहर मन के अंदर बाहर हम लोग विचार नहीं करते लेकिन हम जिन्हें ऋषि कहते जिन्हें महात्मा कहते वो कौन है जो हर चीज के लिए विचार करते हर चीज के लिए उनका चिंतन होता है अब ये चिंतन मनन वही कर सकता है जिसकी बुद्धि अच्छी है आप बुद्धि अच्छी हो तो उसके लिए क्या आप प्रयास करते वो ब्राउन कलर का एक पाउडर दूध में घोल के पीने से बुद्धि तेज नहीं होती है कभी वो डब्बा पढ़ लेना चाहे किसी कंपनी का हो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? उसमें बहुत ज्यादा मात्रा चीनी की होती है फिर थोड़ी सी मात्रा कोको की होती है फिर बहुत सारा इमलसीफायर होता है सिर बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है जो उसको बाइंड करेगा और ये जो इमलसीफायर होते हैं जहां भी ये शब्द तुम पढ़ो इमलसीफायर ये आपके शरीर के सेल्स को भी खराब करने के लिए काफी है और जो चीनी है वो प्रोसेस्ड चीनी में बार बार बोल रही हूँ प्रोसेस्ड चीनी है जिसमें दो केमिकल मुख्यता पड़ते हैं सल्फर एक खास है सल्फर तो वो जो हड्डियां भी गला देगा तो छोटे छोटे बालकों को बालिकाओं को चीनी घोल घोल के जब आप पिलाते हैं और फिर जब वो अठारह पच्चीस तीस साल के होते हैं तो उनको डायबिटीज टू होने लग जाता है तो लोग कहते हाय पता नहीं क्या हो गया अभी तुम्हें यह नहीं पता है कि ये खुद आपने अपने पवित्र कर कमलों से ऐसा घातक काम किया है कि अपने बच्चे का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया ये जितना आर्टिफिशियल कलर्स होता है नीला लाल जामनी उस दिन कोई कहते हम आपके लिए बड़ी स्पेशल बर्फी लाए हैं बर्फी खोली तो वो हरे रंग की थी मैं ये हरा कैसे है कि ये तो पता नहीं पर बड़ी अच्छी लग रही थी मैं तू ही खा <laughs> हमें अभी बहुत काम करना है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कहते पिस्ता का बर्फी है मैं पिस्ता का नहीं हूं रंग वाला बर्फी आप जानते हैं यहां आश्रम में मैं बच्चों को चॉकलेट्स देती थी राइट मिले हैं चॉकलेट बड़े भी सिरे हिला रहे <laughs> फिर एक दिन हमने वो उसका इंग्रेडिएंट पढ़ा उस पर लिखा था तो पाम ऑयल पाम ऑयल पाम ऑयल मतलब ट्यूमर कैंसर इट्स कार्स्योजेनिक बाजार में भी जो अक्सर तेल मिल रहा है बड़ी खतरनाक बात है ये लोगों को अच्छी नहीं लगेगी कि मैं कह रही हूं पर सच यही है मलेशिया से बहुत सारा और और भी कुछ एक देशों से बहुत सारा पाम ऑयल इंपोर्ट किया जाता है उसी में थोड़ा सा फ्रेगरेंस और गाढ़ा पीला रंग डाल दिया तो वो सरसों हो गया सफेद रंग डाल दिया तो नारियल हो गया अब वो सिक्सटी फोर्टी के रेशो है कि सेवेंटी थर्टी है तो ईश्वर जाने आपने कभी ध्यान दिया इस बात पर कि हमारे देश में डायबिटीज कैंसर ट्यूमर इतना क्यों बढ़ गया है कारण है ये जो तेल हम खा रहे हैं। आ, आप में से अगर कोई थोड़ा इंटरेस्ट रखता हो तो लो आज आपको हम एक बिजनेस प्रपोजल देते बिजनेस प्रपोजल ये है कि आप लकड़ी का एक कोल्हू लगाइए और उसमें तिल, नारियल सरसों अलसी बादाम का बढ़िया जो तेल निकाली और वो ऐसा ना कोई ग्लास का ऐसे रहे कि लोग आए तो वो देख सकें कि बिल्कुल सही हो रहा है और उसकी सफ़ाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए नहीं तो उसकी एक गार बन जाती है वो गार जो है वो भी बहुत ख़राब होती है हम अच्छी वस्तु खाएंगे तो शरीर अपने आप अच्छा रहेगा तो छोटे बालकों को मैं अपने हाथ से ऐसी चीज कैसे दे दूं जिसे खा के कुछ वर्षों बाद वो बीमार हो जाए तो उस दिन से हमने चॉकलेट किए बंद और गुड़ और तिल की गचक गुड़ और मूंगफली की गचक बनवाई है अब वही छोटे पैकेट्स में बच्चों को मैं वही देती हूं अब तिल क्या है ओमेगा थ्री और उसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिय और भी होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं और ये आप देखिए हमारे विद्वानों की समझ देखिए कि संक्रांति का दिन है मकर संक्रांति का दिन है तो इसमें किस चीज का दान बोला है तिल का गुड़ का कुछ और भी कह सकते थे ना कि जलेबियां दान करो ऐसा कोई है नहीं वैसे बनाना पड़ेगा हमें पर वो कह रहे नहीं तिल दान करिए तिल गुड़ ये दीजिए अब तिल और गुड़ का प्रसाद आप खाते हैं तो ये सिर्फ आज के दिन के लिए नहीं है भोजन उपरांत एक ने कहा मीठे में क्या है है ना मीठे के जो चाहवान होते हैं। खाते मीठे में क्या है पत्नी कहती मीठी बातें बोले वो तो तेरे मुंह से निकलने नहीं वाली है <laughs> मीठे में क्या है तो चीनी की बनी हुई और आर्टिफिशियल कलर्स की बनी हुई मिठाई और ईश्वर जाने किस तेल में किस किस तेल में किस, तेल में, किस गंदे घी में वो आपकी मिठाइयां बनी है उससे उत्तम है ये मैं सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं कह रही हूँ मैं जानती हूँ पुरुष भी बहुत अच्छा खाना पकाना जानते हैं दुनिया में ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो शेफ़ हैं वो पुरुष हैं स्त्रियाँ तो अभी आना शुरू हुई है तो गुड़ एक ऐसी चीज़ है कि आपने कुछ भी वजनी खाया है तला हुआ साग खाया है या कुछ सामान खाया गरिष्ठ है जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट सो हैव जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ जैगरी डन आपका एकदम सिस्टम अच्छा चलता है तो मकर संक्रांत को उन्होंने कहा तिल और गुड़ को ये देना चाहिए तो सुबह करो स्नान सूर्य का करो ध्यान और फिर सबको गुड़ खिलाओ तिल खिलाओ और आपके आसपास अगर कोई गौशाला है तो वहाँ जाइए और शहरों में कई बार छोटे शहरों में तो जिनकी जिन गाय के दूध सूख जाते हैं ना निकाल देते हो उसको और फिर वो सड़कों में प्लास्टिक खा रही होती कभी कभी मैं प्लास्टिक से इसीलिए बहुत सख्त परहेज रखती हूँ इसीलिए क्योंकि जो प्लास्टिक आप इस्तेमाल करके कूड़े में फेंकते हैं हमारे यहाँ वेस्ट डिस्पोजल ठीक से होता नहीं है वो नालों में नालियों में गटर में सीवरेज में खुले में जहाँ पड़ा होता है वहीं कोई गाय खाती है उनके पेट में जा के फंस जाता है यहाँ करनाल में जो वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से वो बताते हैं कि कई बार हमको सर्जरी करके और अंदर से चार चार पाँच पाँच दस दस किलो प्लास्टिक हम गाय के अंदर से निकालते हैं और जैसे लोगों ने चारा खिलाया है ना? किसी पंडित जी ने बोला तेरा ये ग्रह ठीक नहीं वो ठीक नहीं तो गाय को चारा खिला चारा खिलाया प्लास्टिक की थैली वहीं फेंक दी गाय वो भी खा गई तो बोले गाय बीमार हो जाती हैं स्वस्थ हो जाती हैं मर जाती हैं तो आपके खाए चारे से आपको लाभ होगा या उसके मरने का पाप अब आपके सिर पे लगेगा बोलो इसलिए प्लास्टिक के थैला तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए जहां तलक हो सके प्लास्टिक का बोतल में पानी भर के कभी नहीं रखना चाहिए उसको पीना नहीं चाहिए ये भी एक रिसर्च हुई है नैनो पार्टिकल्स प्लास्टिक के पानी में आ जाते वही पानी आप पीते वही कैंसर बन जाता है तो हमारे जो देश की सभ्यता है ना वो ये है कि हम प्रकृति को हानि ना पहुंचाए जीव हो जंतु हो मनुष्य हो सबके लिए सबके लिए आपका आदर प्रेम भाव होना चाहिए इसलिए कई बार लोग मैं देखती हूं बड़ी अजीब सी चीजें करते हैं गाय को तो गैया माता कह के चारा खिला देंगे कुत्ते को मारेंगे अच्छा फिर कई और बड़े अद्भुत लोग है कुत्ता पालते है लव बोलते है चिकन खा जाते भाई ये क्या बात हुई मुझे तो समझ नहीं लॉजिक नहीं मुझे समझ लगा कि कैसा प्रेम है कि अपने कुत्ते पर तो बड़ा प्यार आ रहा है तो जो बाकियों के जो बच्चे हैं उनके ऊपर इतना जुल्म क्यों करते हो इसलिए जो भी सो कॉल्ड वेजिटेरियन होने का नया नया दावा करते हैं ना उन्हें इस बात का भी ख्याल रखने चाहिए कि आप ट्रू वेजिटेरियन तब होते हो जब आप जो जिंदा हैं पहले आप उनका प्यार सम्मान करिए और फिर मारिए मत और मरे हुए चीजों का उपयोग भी मत करिए वो भी उचित नहीं हम लोग चीजें इस्तेमाल करते तभी तो बनती आप नहीं करेंगे तो नहीं बनेंगे दूर क्या जाना मुझे कानपुर में एक बार किसी ने बहुत पुरानी बात है मृग चर्म दिया अब हमने सुना पढ़ा ना ऋषि मुनि मृग चर्म पे है भोलेनाथ भगवान के कमर पे मृग चर्म है और मुझे मृग चर्म मिले बड़ी खुश तो मेरे वो आसन पे बाप बढ़िया चर्म लगा दे हम उस पर बैठे और सत्संग करे और एक दिन ऐसे क्या हुआ मैं ऐसे आत गया नजर गई तो उसके ऊपर दो छेद थे तो जब उसको गोली मारी गई होगी ना वो उसके छेद थे ओ, उस दिन के बाद से मैं नहीं उस आसन पे बैठ पाई मैं ना हटाओ भी इसको मैं नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि हमारे जो ऋषि लोग इस्तेमाल करते थे ना मृग चर्म बाघ चर्म ये वो होते थे जो नेचुरली मर जाते थे मैं ये इसकी साक्षी हूं इस बात की पूज्य स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज के जब वो अल्मोड़ा से आगे जगह है जागेश्वर वहां रहते थे तो वहां एक शेर उनका काइंड kind ऑफ of पालतू था एक व्यक्ति जो उन्हें मिलने गया नैनीताल से उन्हें और इस बार जब मैं लास्ट गई हूँ ना जागेश्वर तो वो सज्जन मुझे मिले जिनके दादा गए थे मिलने और रास्ते में दिख गया शेर तो उनकी हालत ख़राब हो गई महाराज का दर्शन क्या करेंगे तो शेर ही खा जाएगा हमको तो वो लौट रहे थे गांव वालों ने कहा रहे नहीं नहीं हम आपकी मदद करते तो बहुत ढोल नगाड़ा ऐसा बजा बजा के तो उनको महाराज जी के स्थान तक ले गए आओ कहते महाराज हमारे तो रिश्ते में शेर ये हुआ फिर गांव वालों ने ये किया बड़ी मुश्किल से आया आप कहाँ जंगल में बैठे हो तो स्वामी जी कहते अच्छा शेरु मिला था शेरू मिला तो पता नहीं तो शेर था <laughs> तो वो अपनी <laughs> वो जो कुटिया थी कमरा उससे बाहर गए और इधर उधर इधर उधर देखे और फिर एक दिशा में मुख जोर से आवाज दी शेरू आ गए महाराज कहते ये ये आया था अब उनकी हालत खराब हो रही थी अच्छा उनके सेवा में एक महिला अभी देखिए कैसे विलक्षण हमारे संत हैं और उनके सेवक भी कैसे विलक्षण वो माता अभी भी जिंदा है हम उसे मिले हैं पिछले वर्ष कहती है कि मैं गई कमरे में तो वहीं पर शेर बैठा हुआ और महाराज ध्यान लगा कर बैठे हुए कि तुम्हें तो अंदर चली गई और उनके लिए जो सामान रखना था वो रखा फिर खुद भी बैठ गई फिर कुछ समय बाद जब महाराज ने आंख खोली तो मैंने कहा अभी इसको कहा बैठा रखा यहाँ पर जगह कम है वो इसमें ये बैठ गया तो हम कहाँ बैठे कितने वो बाहर चला गया कि तो भी उसको ठंड लगी होगी इसलिए वो आ गया हमारे पास मैंने इस माता से पूछा आ, मैं चाहूंगी कि हमारे जो देख रहे हैं ना वो वाला वो तस्वीर जो मेरे साथ उनका है उसको आज जरूर वो फेसबुक पे डाल देंगे तो वो माता मुझे कहती है मुझे डर क्यों लगेगा मैं शेर था कहती महाराज थे मैं महाराज को देख रही हूं शांत बैठे हैं शेर उनके चरणों में बैठा है तो जब महाराज हैं, तो मैं क्यों डरू क्या अद्भुत बात क्या भक्ति है उसकी गुरु भक्ति तो देखिए कि गुरुदेव के पास हैं तो मैं सुरक्षित हूं मुझे कोई भय नहीं कोई कारण नहीं है तो so, हमारे यहां ये बात बहुत मान्य है कि जो ऋषि लोग अहिंसा का पालन करते हैं ध्यान करते हैं उनका अनाहत चक्र जागृत होता है अनाहत चक्र मतलब प्रेम उनके हृदय से उनके इस अनाहत चक्र से इतना प्रेम उनके आभा मंडल में उनके वातावरण में होता है कि जहां आकर हिंसक जानवर भी अहिंसक हो जाते वो हिंसा छोड़ जाते हैं ऐसा नहीं कि वो परमानेंट अहिंसक हो जाएगा शेर है तो मार के खाएगा वो तो उसकी प्रकृति है लेकिन जब तलक वो उनके समीप है उनके उपस्थिति में है उतने ही शांत है भगवान भोलेनाथ के देह पर सर्प है सर्प का काम डसना है। तो भोलेनाथ की देह पे है साब तो अच्छा मेरी एक मित्र है मित्र मतलब आयु में बहुत बड़ी है मेरे से अभी नाइनटी प्लस होनी चाहिए वो तो जब मेरी और उनकी पहली मुलाकात हुई स्वर्ग आश्रम की जो कुटियाएं हैं जब आप गंगा की तरफ जाते हैं कच्चे रोड से अब तो खैर पक्का रोड है वहाँ से जब जाते हैं तो बीच में एक छोटी सी चढ़ाई है पहाड़ी है छोटी सी वहाँ पर तो so, मैं ऐसे ही घूम रही थी देखी कुटिया मैं चलो देखते हैं कौन है गई तो वो बाहर ही खड़ी थी तो नमो नारायण प्रणाम हुआ मुझे कहते आओ मैं बैठ गई मैंने उनसे पूछा आप यहाँ कब से हैं कहते मेरे गुरु का आश्रम तो गंगोत्री में है और लक्ष्मण झूला में भी है पर अभी उन्होंने मेरे को कहा एकांत साधना करो तो इस कुटिया में वो साधना किए थे अब ये कुटिया मुझे मिली है तो अब मैं दो तो तीन साल हो गए कहती यहीं अब मैं रहती हूँ लगभग तीस साल पुरानी बात है मैंने कहा तो अंदर देखा मैंने एक तखत पोष है थोड़े से बर्तन थे एक किनारे में मैंने एक व्यक्ति जिसमें खा सके और वहीं अंदर ऐसे छोटी सी दीवार लगी जिसमें स्नान किया जा सके मैंने कहा आप लाइट ठीक है यहाँ पर कहते हाँ रहती है कुछ समय फिर कभी नहीं भी रहती है मैंने कहा सुरक्षित है ये जगह कहते हाँ सुरक्षित है गंगा माई की गोद में बैठे सब सुरक्षित सेफ एंड सिक्योर विद गंगा कहते हाँ बस शाम वहां आ जाते हैं बस सुबह जब उठती हूँ ना तो फिर एक बार Uh, थोड़ा टॉर्च जगा के देख लेती हूं कि जहां मैंने पैर उतारना है वहाँ पर कोई भगवान पहले से तो नहीं बैठा हुआ पहले छेद है दरवाजे के नीचे से आ जाते हैं साहब तो कहती भी मेरी वजह से उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, तो कहती, नहीं होना चाहिए। तो कहती मैं ऐसे एक बार जरा देख लेते हैं भाई साहब ठीक है, है फिर आ जाते कहती बाकी इधर से लेफ्ट राइट निकल जाते कोई ना कोई कोई बात नहीं कहती हमने एक तय कर लिया था डील बनाई थी उनके साथ मैंने भी यही रहना है तुमने भी यही रहना है तो मिलके रहेंगे देखो बोलना और कहना एक बात होती है पर उस जीवन को जीना बिल्कुल दूसरी बात होती है। तो उनको भगवान जी बुलाते मैं तो बहुत अच्छे फिर तो खैर कई बार कई बार ऐसे बहुत से महात्मा ऐसे बहुत से अ, स्त्री महात्मा ऐसे बहुत से पुरुष महात्मा जो बिहाड़ में रहते जंगल में रहते नदी किनारे रहते गुफा में रहते हैं लेकिन अगर उनसे पूछो कि जीव जंतु का कोई भय तो कहते जीव जंतु का कोई भय नहीं कह रहे मनुष्यों का है <laughs> मैंने कहा मतलब कहते आके चोरी करके चले जाते <laughs> कभी हमारा बर्तन ले जाते कभी हमारा कंबल ले जाते हैं कभी हमारा कोई और सामान ले जाते हैं आदमी से बहुत खतरा है नहीं आदमी से खतरा बोले पशु से क्या जीव जंतु से कोई खतरा नहीं तो ये मनुष्यों का दुर्भाग्य हो गया ना मनुष्यों का दुर्भाग्य है कि वो इतना गंदा व्यवहार करते हैं तो पशुओं का कितना अच्छा व्यवहार हो गया पशु होके भी वो अहिंसक होना जानते है। कहां हैं कहाँ किसकी उपस्थिति में है उससे उनकी प्रकृति बदल जाती है बिल्कुल बदल जाती अच्छा एक चली है ना चर्चा तो क्या ले के पात में, पात, पात में, संतन की बात में हाँ अभी एक बात और सुनो <laughs> अभी हम गए थे झारखंड झारखंड में रिखिया पीठ है पूज्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी के द्वारा वो स्थापित है और उसकी जो इस समय की संचालिका और संस्थापिका है स्वामी सत्संगानंद जी तो हम कुछ सोलह सत्रह साल बाद हम दोबारा वहाँ पर गए तो अब तो स्वामी जी का तो शरीर रहा नहीं तो उनकी समाधि समाधि के साथ जो हम लोग बैठे तो उनके दो कुत्ते श्वान एक ने हमें लिखा आप कुत्ता क्यों बोलते हो श्वान बोलो तो वो उन उन महोदय की आज्ञा से अब हम श्वान बोलेंगे तो ये जो दो श्वान हैं ये मैं जैसे ही बैठी तो आ गए स्वागत सत्कार मेरा करने के लिए तो उसमें एक वो कॉकर स्पेनियल नाम की प्रजाति है वो उसका है और उसका नाम पूर्णा अरे वाह अभी जो पूर्णा ने अपना सिर हमारे साथ घुटने पे रगड़ा उसने जो रगड़ा जो जितना उसको मैं प्यार वो उतना यहाँ यहाँ कहाँ जैसे चिपक गए अब जावे ही कोई नहीं और मैंने कहा सत्संगी जी ये तो गया आपसे अब ये तो अब हमारे साथ लट्टू हो गया <laughs> ये अब आपके साथ कहाँ जाए तो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योग के वो भी साथ में बैठे हुए थे जो सब हंसे कहते ही कैसे हैं हमको भूल गए द डॉग इज सपोज टू बी द मोस्ट ओबीडियंट एनिमल टू द मास्टर एंड हियर वी आर सिटिंग लेफ्ट आस एंड द गॉन टू यू मैंने कहा भाई हम आनंद मूर्ति <laughs> तो हमसे हमसे इनको आनंद मिल रहा होगा ना तो इसलिए अभी देखिए जान पहचान और वो हमारे मेहमान है ना जान ना पहचान और वो हमारे मेहमान ये मैंने देखा एक बार एक चिड़ियाघर में थे लो एक और कहानी एक बार वो होते ना ओपन जूस ओपन जू था वहां था एक ऐसे बाड़ा बना था वैसे गेट खोल यू कैन वॉक इन लॉट्स ऑफ डियर्स इन दैट वहां दो हिरन मेरे पीछे पीछे मैं जहाँ जाऊ मेरे पीछे 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 जहां मैं गेट तक फाइनली एग्जिट लगे ना हाउ उस हमारे साथ एक सरदार जी थे ट्रांसपोर्टर करनाल के वो अपनी तरफ से पीछे हटाने आए मैं हिरन है उन्होंने को सिंग मारा <laughs> <laughs> वो आए पास तो वो सिंग मारे और मेरे साथ साथ चले वो और एंड में जहां मैं गेट से निकलने लगी तो उसने अपना जो सिंग है वो मेरे ऐसे कपड़े में फंसा दिया उसने अरे जाने दे अब तो आ, हम किसी के सगे नहीं जिनने पैदा किया उनके नहीं हुए तो तेरे क्या होंगे जाने दे कहा से इतना प्रेम जब लोग कहते ना संसार में प्रेम नहीं है मुझे हैरानी होती कैसे कैसे अब आप सब लोग जो यहां उपस्थित हो बच्चे स्त्रियां पुरुष हर आयु वर्ग के हैं आपका कितना प्रेम हमसे करते हैं कितना अभी क्यों करते हैं अभी क्यों का उत्तर भी देना थोड़ा सा तेरा काम है प्रेम की तो कोई कमी नहीं है बस उस प्रेम को स्वागत करना उस प्रेम को रेसिप्रोकेट करना यू नो वी ऑलवेज से नो बडी लव्स मी नो बडी लवस मी बट द क्वेश्चन इज डू यू लव पीपल डू यू लव एवरीबडी इफ यू डू देन लव वि रेसिप्रोकेट बैक टू यू इन अ बिग वे बट इफ़ यू आर अ सेल्फिश ग्रीडी पर्सन नो बडी लाइक्स दिस पर्सन यू बी एन अनसेल्फिश यू बी काइंड यू बी कम्पैशनेट यू बी लवफुल The love will get transported around you and it will expand and it will reach out to everybody and then it will turn back to you. So you give love, you receive love. You share love, you have more love. You cultivate love, you sow love, you will reap love. So don't say there is no love in this world. No, no, no. वी डोंट नो है इज एन आर्ट ये भी एक कला है, ये भी एक कला है। <laughs> अभी uh, एक महानुभाव आए हुए थे ना हमें मिलने तो उनके साथ वो जेड कैटेगरी में है तो उनके जो होते हैं ना जो शेडो आपने देखा होगा न्यूज़ में या कहीं तो काला चश्मा लगा के ट्रेंड होते हैं ना वो कहाँ देख रहे हैं पता ही नहीं चलेगा बहुत जबरदस्त इनका ट्रेनिंग होता है तो वो पूरे समय एकदम बुत बन के ना ऐसे बहुत सजग होके एकदम चकस होकर के चक चक बंद होते हैं वो एकदम ऐसे थे तो मुझे ना थोड़ा तकलीफ होता है ये बंदा होठ है और मुस्कुरा नहीं रहा है ऐसे कैसे तो हुआ यह कि कुछ ऐसी बात मैंने बोली बेचारे की हंसी छूट गई <laughs> उसकी हंसी छूट गई आ, क्योंकि एंड ऑफ द डे मनुष्य तो सब है ना बुरे से बुरा व्यक्ति प्रेम की ताकत के आगे बदल जाता इतिहास गवाह है अंगुली माल बुद्ध की संगति में बदल गया था आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु की संगति में बदल गई थी भागवत काल की एक वेश्या नगर वधु एक ऋषि के दर्शन के साथ बदल गई थी कौन कहता है कि परिवर्तन नहीं होता बिल्कुल होता है इसलिए इस शक्ति से अपने आप को कभी वंचित मत करना When your mind says that this is not possible, when your mind begins to lament, "Nobody loves me," you are just being foolish. Nothing more than that. You be such a feisty, open-hearted, compassionate, loveful, kind person that you generate that love in your heart and. सी व्हाट ट द फ्रेगरेंस ऑफ लव विल एक्सपेंड एंड इट विल टच हु कम्स इन योर अप्रॉक्सिमिटी जो भी आएगा तुम्हारे उस चक्र में ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुमसे प्रभावित नहीं बिल्कुल हो बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा पर अपने भीतर ज्ञान प्रेम और ध्यान के इस दीपक को जला के रखना चाहिए इसलिए मकर संक्रांति है सिर्फ इसी दिन सुबह उठ के स्नान ध्यान जब करना है? नहीं हर दिन करना है। हर दिन करना है। और फिर सत्य ये है कि अगर आप बराबर मंत्र अनुष्ठान करते रहेंगे अगर आप बराबर मंत्र जप करते रहेंगे उसकी एक पहचान होती मंत्र जप करते हुए में जब संसार के विचार विलीन होने लग जाए और सिर्फ मंत्र रह जाए और फिर एक समय ऐसा आएगा कि जब मन इतना ठहर जाएगा इतना रुक जाएगा कि मंत्र भी नहीं बोला जाएगा और जिस दिन ये होगा उस दिन तुम्हारी ध्यान की डुबकी हो जाएगी हम लोग मंत्र मंत्र के लिए नहीं करते देखो अभी ऋषिकेश में भी जो मैंने अनुष्ठान करने को कहा वो इसलिए कि तुम दो समय बैठते नहीं हो अनुष्ठान के बहाने बैठोगे तो अगर संकल्प किया है ने चालीस दिन का किया कोई करीब साढ़े तीन सौ लोग है कहीं ने शिवरात्रि तक का संकल्प किया वो एक हजार व्यक्ति है वन थाउजेंड तो अभी इन लोगों ने हिसाब लगाया तो मुझे कह रहे थे कि करीब 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 सवा करोड़ मंत्र जब का पूर्ण शिवरात्रि के दिन होगी। अब हमने तो प्रेरणा दी हमने तो एक बॉल फेंक दी तुम्हारी तरफ करो और कईयों ने लपक लिया उसको क्या करेंगे अब कई महामृत्युंजय कर रहे हैं कई ओम नमः शिवाय कर रहे हैं कई लोग मूल मंत्र कर रहे हैं ये था कि जिसमें श्रद्धा है जिसमें मन जुड़ जाए सहजता से एक होता ना अभ्यास अभ्यास तो वो अभ्यास जिसका है और श्रद्धा जहाँ जुड़ गई है ना मन की वो मंत्र करना सहज होगा इसलिए कहा उसी को करो पर आप रोज बैठते हैं सुबह बैठे शाम बैठे सुबह बैठे शाम बैठे अब ये आपका चालीस दिन होगा या आपका तीन महीना होगा या जितना भी समय आप करते जाते हैं आदत में आ जाता है नियम बन जाता है वंस यू हैव यू हैव कल्टिवेटेड दिस स्टाइल ऑफ लिविंग दैट यू स्लीप इन नाइट बिकॉज यू हैव आई हैव टू वेक अप टू डू माई मंत्र यू स्पेंड योर होल डे डूइंग ऑल द डिफरेंट थिंग्स बट द आइडिया इज आई हैव टू सिट फॉर माई इवनिंग मंत्र जपा सो फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट द आइडिया इज ऑफ सिटिंग डाउन डुइंग मंत्र सिटिंग डाउन डुइंग मंत्र दिस इज वॉट आई कॉल कल्टिवेशन ऑफ द माइंड आ ये बात बिल्कुल सत्य है अगर ठीक से आप मंत्र के साथ जुड़ गए तो आपके अपनी शक्तियां इतनी जागृत हो जाएंगी कि जो सोचोगे वो होने लग जाएगा बस ये याद रखना उल्टा पुल्टा सोचा तो रोना पड़ेगा <laughs> सही सही सोचा तो लाभ तुम्हारा भी होगा और फिर दूसरों का भी होगा लेकिन ईश्वर की जो शक्ति है वह आपके अंदर उतनी ही है जितनी किसी ऋषि किसी महात्मा के अंदर वाह हम लोग जीवन सच्चा नहीं जीते हैं रूल से नहीं चलते हैं साधन नहीं करते हैं बेईमानी झूठ द्वेष राग ऐसा गड़बड़ वाला काम करते हैं तो उससे क्या है मन काला हो जाता है तो काला काला मन और अज्ञान के इस नशे से भरा हुआ मन अपनी सारी शक्तियां गमा लेता है से विपरीत जब आप संयम से चलते हैं जब आप नियम से चलते हैं जब आप मंत्र जप करते हैं जब आप दान करते हैं जब आप सेवा करते हैं तो फिर इसके फलस्वरूप आपकी मन शक्ति बढ़ने लग जाती है। और ये जो मंत्र शक्ति आपके पास आती है इससे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है तो अगर मोक्ष का इच्छुक है ज्ञान का इच्छुक है तो वो फिर इस राह पर बहुत अच्छे से चलेगा सुना हुआ ज्ञान समझ आएगा समझ आया हुआ ज्ञान जीवन में आएगा बढ़िया ही बढ़िया हो गया ना पर जिनका अंतकरण शुद्ध नहीं है वो ज्ञान जितना मर्जी सुन ले पहली बात समझ नहीं आनी दूसरी बात जीवन में नहीं आता तो गड़बड़ हो जाती स्व-अंतःकरण की शुद्धता बहुत बहुत आवश्यक होती है महात्माओं से एक कहानी मैंने सुनी थी एक आदमी महात्मा के गया और कहते महाराज मेरा तो मन भगवान में बिल्कुल नहीं लगता तो मेरा क्या होगा महात्मा कहते अच्छा तुम्हारा मन किस में लगता है कहते जी मेरा मन तो मेरी भैंस में लगता है मैं भैंस को नहलाता हूँ खिलाता हूँ दूध दहता हूँ उसको नहलाने के लिए तालाब ले जाता हूँ मेरे को तो मेरी भैंस बड़ी प्यारी है महात्मा कहते ठीक है तुम अब भैंस का ध्यान करो देखिए अब ये खूबसूरत बातें सिर्फ आपको भारतीय दर्शन और संत परंपरा में ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी क्यों सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिंद नहीं कोई तो भैंस में गोविंद नहीं है नहीं है भैंस में अगर भैंस में भी गोविंद है तो फिर भैंस का ध्यान क्यों नहीं किया जा सकता महात्मा ने कहा इस कमरे में बैठ जाओ खाना तुम्हें दोनों समय मिल जाएगा पूरे समय ध्यान करो ठीक पंद्रह दिन निकल गए महात्मा को लगा रही जरा देखे तो सही कैसा है तो उसका दरवाजा खटखटाया महात्मा ने कहा भगत जी कैसे हो घर महाराज बहुत अच्छा हूं कहते बहुत दिन हो गए चलो अब बाहर आ जाओ कहते नहीं बाहर नहीं आ सकता मैं क्यों घर मेरे सिंग फस जाएंगे दरवाजे में दरवाजा छोटा है मैं बड़ा हूं है ये क्या हुआ तो एक चेला पूछता है गुरुदेव ये क्या बोल रहा है कहते देखो जिसका तुम ध्यान करोगे उसकी सफलता ये होती है कि उसका रूप तुम्हारा रूप हो चुका है ये तुम्हारी अनुभूति हो जाएगी तो भैंस का ध्यान करते 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 अब उसको क्या लग रहा है मैं ही भैंस हूं मैं बाहर कैसे आऊंगा मेरे तो सिंह फंस जाएंगे आप समझ रहे हो हमारे ऋषियों ने कहा कृष्ण का ध्यान करो शिव का ध्यान करो गुरु का ध्यान करो हा? तो ध्यान की सफलता हुई तो क्या होगा शिवो हम राधा जी के लिए गोपियों के लिए ऐसा कहते श्रीमद भागवत में आता है जब श्री कृष्ण बारह वर्ष की आयु में मथुरा चले गए तो ये बड़ा विवल हो रही थी वैराग्य में थी रो रही थी कृष्ण 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 कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण स्मरण चल रहा था और फिर एकाएक एक, एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है सखी उदास क्यों है देख मुझको तेरा कृष्ण आया है कृष्ण का भाव करते करते वो स्वयं को ही कृष्ण मानती है ए सखी तू तो उदास क्यों है तेरे आंख से अश्रु क्यों आ रहे हैं देख तेरा कृष्ण आया है तो उसने अपने शीश पर मोर मुकुट लगा रखा है। फूलों का मोर मुकुट बनता था ना? मोर बहुत थे और मोर सहजता से जब उसके पंख इधर उधर झड़े रहते हैं देखो अभी उल्टा हो गया अभी मनुष्य ज्यादा हो गए हैं, पक्षी पशु कम हो गए हैं। पहले पशु पक्षी ज्यादा थे मनुष्य कम थे इसलिए मोर के पंख ऐसे जो तुम बाजार से खरीदते हो ना ओ हो उसको तो ऐसे देखा वो उसका पैर पकड़ के ना मोर का यूं यूं जोड़ जोड़ ही लाते तो उसी में मर जाते होंगे और फिर ये पंख वो बाजार में बेचते नहीं ऐसा सहजता से जब उसका पंख निकलता है तो उस समय पर लोग उसको एकत्रित कर लेते थे और ये इस्तेमाल करते थे तो गोपी ने अपने सर पर मुकुट लगा रखा है फूलों का इसमें मोर पंखी भी है और वो कृष्ण की भांति चल रही है बोल रही है बात कर रही है क्यों देख तेरा कृष्ण चलाओ बिहार करेंगे वन में भाव है ये भक्ति में भाव है ये ऐसे ही कोई शिव का भाव करता है शिव का ध्यान करता है तो करते करते शिव का ध्यान तो जैसे शिव का मुख तो मेरा मुख में जैसे शिव मेरे में ही लीन हो गए मेरा मुख मुख मेरा नहीं रहा शिव का हो गया मेरा तन मेरा नहीं रहा शिव का हो गया और वेदांत में इसको हम इस तरह लेते उसे हम कहते अहंग्रे उपासना ओंकार की उपासना ओम 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 की उपासना करते करते ओंकार स्वरूप ही हूं मैं ये उसकी अनुभूति हो जाती तो हमारा मन हम जहां एकाग्र करेंगे वो वैसा ही हो जाएगा अभी ए, सामने मेरे श्रीमद भगवद गीता तो ये एक बड़ा सुंदर श्लोक आया भगवान कहते हैं कर्म सुकृत्य से सुकृत सहु सात्विकम निर्मलम रजसस्तु फलम् दुखम अज्ञानम तमस फलम सात्विक कर्म तुम करते हो तो उसका फल सात्विक ही होगा क्या होगा सुख ज्ञान और वैराग्य बढ़ेगा सात्विक कर्म करने से क्या होगा सुख ज्ञान और वैराग्य बढ़ेगा तुम्हारा और अगर आप रजसस्तु फलम अगर आप रजोगुणी कार्य करते हैं तो उसका फल क्या होगा दुखम दुख बढ़ेगा अज्ञान बढ़ेगा तमोगुण बढ़ेगा तो अगर किसी में तमोगुण ज्यादा है अगर किसी में वैराग्य की कमी है अगर किसी के जीवन में बहुत दुख है तो किस कारण रजोगुणी कर्म उसने किए रजोगुणी विचार उसने रखे रजोगुणी भावनाएं उसने रखी तो रजोगुण के प्रभाव से जीवन में दुख आता है और सत्वगुण के प्रभाव से जीवन में सुख रजोगुण करेंगे तो जीवन में तमोगुण बढ़ेगा सत्वगुण करेंगे तो जीवन में सात्विकता बढ़ेगी रजोगुण करेंगे तो अहंकार क्रोध बढ़ेगा सत्वगुण करेंगे तो वैराग्य और ज्ञान बढ़ेगा अब आप चुनिए आपको क्या बढ़ाना है जो बढ़ाना है वो कर लो बाहर अगर आप रजोगुण कर्म करते रहे और सोचे हम हम सात्विकी हो जाए गई भैंस पानी में नहीं होगा सो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ योर माइंड That is a clear evidence of what kind of nurturing of attributes in your mind you have done successfully. If your mind is without any reason happy and silent and is in fill, filled with dispassion and is filled with uh, introspection, then definitely you are doing very good sattvic, pure actions. If your mind इज विदाउट एनी रीजन अपसेट अनहैपी सैड डिजेक्टेड डिस्ट्रैक्टेड नो एनर्जी टू मंच ईगो एंड नो इट इट्स रिजल्ट ऑफ योर रजोगुणी एक्शंस हम क्या करते हैं क्या सोचते हैं उससे हमारा मन वैसा ही बन जाता अब ये कितनी बड़ी ताकत दे रही हूं मैं तुम्हें आज तुम्हें वैराग्य ज्ञान सात्विकता तो बढ़ानी गुण करो आपको आपके दुख को दूर करना है अज्ञान को दूर करना है लोभ को दूर करना है बिना कारण मन चिड़चिड़ा रहता है इसको ठीक करना है तो सात्विक कर्म अधिक करो You know, it's absolute clear science. Absolute clear. Um, a young woman was saying to me that um, I have to go back to Australia, but I'm very unhappy there. But I have to go back. But I'm very unhappy there. I said, My dear, if you are unhappy there, why are the, you going there? Don't go. Oh, we got the visa with so difficulty. I got the PR with so difficulty. Now I have kids, and so it's good future for kids over there. Hence, so I want to be in you know, Australia. Then I said, "Then be happy." But you don't seem to be happy. All the education, all the money which you will make—mark my word—maybe. We'll take them away from dharma फ्रॉम you will यू विल बी बिजी मेकिंग मनी एंड दे ग्रोइंग अप इन सम नर्सरी और with सम नैनी मैं एक बार फ्लोरिडा में किसी बहुत अमीर महिला के घर में थी बहुत अमीर तो उसके पोते के लिए दो नैनी थे दो एक भी नहीं दो दो और दोनों थी स्पेनिश बोलने वाली साउथ अमेरिकी तो उसका ना पोता घूम रहा था तो वो भागते हुए आया मेरे को उन प्लाटो उन प्लाटो पर फरवर उन प्ला तो आग हुआ आग हुआ उन बोल बोलना प्या तब मुझे मालूम नहीं था ये क्या मतलब है इसका वो पानी मांग रहा था मेरे को पानी दे दो मेरे को प्लेट दे दो बाद में समझ लेगी मैंने कहा बीबी एक ही कर दी बही ये तेरा बच्चा जप जी साहब का पाठ कैसे करेगा क्योंकि पंजाबी भाषा बोलने वास्ते अड़ा अणा डड्डा टड्डा पब्बा आना चाहिए नहीं अभी कोई मिले मुझे मैंने कहा आप क्या करते हो आई दू हाथ आई होगा मैं कहां से सीखा बोले इंग्लैंड में मैं तू तो देसी है तो तू कम से कम तू तो समझ हथा है हाथा नहीं है हता हमारे हम मारे जाने को कहते हैं ना हताहत हो गए हैं वो मैंने वो मारे गए हैं हाथा नहीं होता अंग्रेजी बोलने वालों के ठा है नहीं ठा दे इन इंग्लिश अल्फाबेट यू हैव टी यू डोंट हैव ठा सो दे से योगा बिकॉज इन इंग्लिश दे डोंट हैव द वर्ड ठा हेंस दे राइट एच ए टी एच ए इन द स्किप द एच एंड देन दे स्पीक इन योगा योगा नहीं होता योग शब्द है योग योगा नहीं होता अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए अपने ऋषियों के ज्ञान से जुड़े रहने के लिए माता पिता को समय तो देना होगा बच्चों को कि नहीं कि कमा कमा के डॉलर्स घर मकान सब तो ले लिया बच्चों का क्या उनके संस्कारों का क्या इस विषय में नहीं सोचोगे तुम और फिर वहां रहते हुए पर एक वो सरदार मेरे को मिले लॉस एंजलिस में अमरजीत सिंह ढिल्लो अपने बेटे को उनने मिलवाया मुझे तो वो तो ढिल्लो साहब हैं लड़का उनका है, आया सफा चट और कान में कम से कम दस उसके वो uh, पियर्सिंग हो रखी है सो ही कुड सी दट आई वॉज लाइक वट इज योर सन वट what went wrong And then he was very embarrassed, and, and then he said, "I was busy making money. I couldn't give time to my kids. My kids were in the school, and in the school, everybody was like this: tattered jeans, what they call distressed jeans, and um, shaven heads with lot of piercing in the ears and the nose and the navel, and God knows where else." Yeah. So he said he just took to his his friends. So he's very happy in. Hard rock um, parties and whatnot. By age 12, 13, they are drinking beer. By age 15, 16, they are buying liquor and having those rave parties. They get promoted to a lot of substance abuses. Parents, Indian, went to um, these countries for a uh, ग्रेट फ्यूचर एंड दिस इज द फ्यूचर देट दर चिल्ड्रन हैव डिस्कार लेफ्ट दैम लिविंग अ वेरी स्ट्रेंच स्टाइल ऑफ लाइफ एंड दे आर सिटिंग इन इर हाउस एम टी हाउस बिकॉज इट्स डोंट बी विद दियर पेरेंट्स वहाँ का रिवाज है सोलह सत्रह में आके वो घर छोड़ देते हैं अलग रहते हैं कमाना खाना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन वट एवर जो भी पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा ये तो उसकी मर्जी है न बाप पूछ सकता है क्यों कर रहा है ना माँ पूछ सकती है क्यों कर है। इसको आप गोल्डन फ्यूचर बोलते हो दिमाग का इलाज कराओ अपना पर ये भी बात सच है मैंने वहां कुछ एक ऐसे लोगों को देखा वो रहने को तो अमेरिका रह रहे लेकिन उनके बच्चे आपके बच्चों से ज्यादा अच्छे हैं मंदिर में जाते हैं गीता सीखते हैं संस्कृत सीखते हैं पूजा भी करते हैं योग भी करते हैं थोड़ा सा प्रपोर्शन इन लोगों का भी है पर आ, मैं जनरलाइज नहीं करना चाह रही हूं पर ज्यादा करके वो दक्षिण भारतीय ज्यादा करके मैं ये नहीं कह रही बाकी नहीं है या नहीं हो सकते लेकिन अधिकतर मैंने उन्हीं लोगों को देखा बहुत अच्छा लगता है क्या सुंदर सुंदर वहाँ मंदिर बनाए हैं क्या सुंदर सुंदर वहाँ पर कार्यक्रम चलते हैं हिंदी क्लास संस्कृत क्लास वो भी चल रही ये एक एक पक्ष ये भी है पर ये, फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर नहीं दिया कि कितना पैसा कमाया उन्होंने अपने बच्चों को अपने साथ बैठा के उन्होंने गायत्री भी कराया गीता भी कराया यज्ञ भी कराया मंदिर भी लेके गए और फिर कुछ एक अच्छे महात्मा जाते रहते हैं सिखाते हैं पढ़ाते हैं बोलते हैं अंग्रेजी में भी समझाते हैं अपनी जो भाषा है उसमें भी बोलते हैं सिर्फ पैसा कमाना ही तो जीवन का लक्ष्य नहीं है और फिर आ, पैसा भी वही अच्छा है जो धर्मपूर्ण तरीके से कमाया जाए जहां आपका धर्म ही आपके हाथ से छूट गया पैसे का क्या करेंगे क्या करेंगे पैसे का इसलिए पैसा बुरी चीज नहीं है विदेश जाके बसना भी बुरी चीज नहीं है पर इस बात का जरूर ख्याल रखना कि आपके बच्चे धर्म से दूर नहीं हो जाए धर्म की राह पर वो चलें। ये ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें माता पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती तो चाहे देश में रह रहे हैं चाहे विदेश में रह रहे हैं यहाँ वाले भी गलतियाँ करते हैं कई बार बाहर रहने वाले ज़्यादा अच्छा काम करते पर सवाल सिर्फ इतना है प्रायोरिटी सही करिए इसीलिए ये भगवत गीता मैं देती हूँ सबको कहती हूं जिसको भी देती हूं उसको साथ ही बोलती हूं जाके मंदिर में रखना नहीं पूजा नहीं करनी इसकी पढ़ना है सुनना है समझना है जीवन में लेकर के आना तो जब तुम्हारा मन परेशान हो रहा हो ना तो ऐसे ही रेंडमली खोल लो कहीं से भी खोलो और कहीं से भी पढ़ो तुम्हें, तुम्हें तुम्हारे उत्तर मिलने लग जाएंगे बिल्कुल उत्तर मिलने लग जाएंगे आपके हाथ में अगर वाणी का गुटका है आपका मन किसी बात पर परेशान है मैं कहूंगी रैंडमली खोल के देख लो सगल सृष्टि का राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया लो जी तुम चाहे सारे सृष्टि के राजा हो जाओ दुखी रहोगे हरि का नाम जप करोगे तो सुखी हो जाओगे इससे सरल कोई और चीज हो सकती है क्या जब लोग दुख और परेशानी में आत्महत्या कर लेते हैं या मार देते हैं या मर जाते हैं क्या अफसोस की बात नहीं है काश उन्होंने बाणी के साथ खुद को जोड़ा होता संतों का संग किया होता सत्संग श्रवण किया होता क्या वो अपनी या किसी और की जान लेते नहीं लेते इसलिए ये बहुत जरूरी है दिन तिथि त्योहार के बहाने धर्म चिंतन जो है वो होना चाहिए और अगर आप ठीक से धर्म पालन करते हैं आसन प्राणायाम करते हैं जप करते हैं चिंतन करते हैं वाणी को समझते हैं उसके बाद देखो तुम जो भी काम करोगे ना तुम्हारा एक तो काम अच्छा होगा क्योंकि दिमाग इधर उधर नींद भटकेगा सी वैन योर माइंड इज अटेंटिव योर माइंड इज कॉन्सेंट्रेटेड वट एवर वर्क यू विल डू द रिजल्ट विल बी एक्सीट बट इफ योर माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड यू हैव अ मंकी माइंड देन यू माई डू द सेम वर्क बट इट विल टेक लॉन्ग लॉन्ग आवर्स एंड स्टिल देर वुड बी सम मिस्टेक्स देखा वो चाय बना रही थी सुशीला हैं चाय बना रही थी और बातें कर रही थी चाय बना रही और बातें कर रही और इधर चाय को उबाल आ गया वो कहती बहन जी मैंने चीनी डाली कि नहीं कहते बना आप रहे हो हमें क्या पता नहीं कहती वो तो ठीक है पर ना पता ही नहीं चला मैंने डाली नहीं डाली कहते चल के देख लो चखा तो थूकिया क्योंकि चीनी की जगह उसमें नमक डाल दिया वे कितनी ज्ञानी है ना ये वो सब्जी बनाएंगे ना ढक्कन लगाएंगे फोन में देखते देखते बात करते करते बाहर निकल गए फिर बात लंबी हो गई भाई व्हाट्सएप कॉल है ना आजकल पैसे तो लगते नहीं लग गई बात आधे घंटे में बात खत्म हुई तो इतने बदबू का है क्यारी आलू शिमला मिर्च तो कोयला हो गई हा? ओ भूल गए क्यों भूल गए देखो प्यारे फ्री की चीज कभी कोई अच्छी नहीं होती जब तक जब तक थोड़ा और पीछे जाओ टेलीग्राम का जमाना मालूम है हर अल्फाबेट के पैसे देने पड़ते थे फादर डेड कम होम बस मदर <laughs> सिख एक ने कहा नी मदर में ज्यादा शब्द आ रहे हैं मॉम सिख कम होम छुट्टी फिर आ गया फोन फोन में वो पैसे लगते थे है ना हर मिनट पे इतने कॉल के इतने फिर आ गया मोबाइल फोन तो कॉल बड़ी महंगी थी उसकी याद है सोलह रुपया सोलह रुपया हाँ और फिर भला हो इस कंपनी वाले का व्हाट्सएप फ्री <laughs> अभी तो महाराज पिछहत्तर क्या सत्तर क्या और साठ क्या सबको आ गया है कॉल कैसे करना है देश विदेश लोग लंबी बातें करने सारी गप्पे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप इज गप चल रही हैं समय की इतनी बर्बादी और क्या ही बोलू ना रे रबा नाम ये जब से आ, अपनी फोटो खुद सेल्फी तुम जो ले सकते हो दिमाग खराब हो चुका है क्या औरतें क्या मर्द क्या बच्चे रोज डिपी बदलती चार बार दिन में कपड़े बदलती चार बार डिपी चेंज होती मैं अभी एयरपोर्ट पे थी लाइन में लगे सिक्योरिटी गार्ड मैं बिल्कुल यहां हूं और इधर अपना बैग दिया और इधर वो जो गेट होता ना सिक्योर उसमें से गुजरना इधर से पीछे से आते सेल्फी बच्चे कौन है मैंने कहा सामने देखो कहती कोई नहीं दो मिनट लगने सेल्फी बस मैं जरा मैं इधर निकलू ना तो उसके बाद वो बेचारे खड़े हैं हम अब तुम्हारी सेल्फी के चक्कर में मैं उनको वेट नहीं करा सकती हूँ कहीं भी सेल्फी रियल सेल्फ ढूंढो तो अच्छी बात है ये शरीर तो झूठा सेल्फ है इसके पीछे तो असली सेल्फी लो ये तो नकली है नक नकली से इतनी मोहब्बत हद हो गई कहते नहीं याद होती है मैंने कहा याद काहे की होती तुम्हारे दिमाग में जगह है कि कोई याद नहीं रह जाए अपना समय का सदुपयोग हम जब करते हैं साधना से तो ऐसी बहुत सी व्यर्थ की बात है ना आपके हाथ से निकलनी शुरू पता ही नहीं चलता कब आपके हाथ से निकल जाती अच्छी अच्छी चीजें आ जाती बुरी बुरी चली जाती सो so, जीवन में ये सोच बदलना इसी को मैं कहती हूं क्रांति ये क्रांति ये देह में नहीं हूं छोड़ के मैं क्या हूं ये जानना यह है असली संक्रांति संग क्रांति गुरु के संग क्रांति सत्संग के संग क्रांति सत्संग सुना और मन की सोच बदल गई बाकी प्रारब्धवश ऊपर नीचे चीजें होंगी कोई बात नहीं दुख है तो भी सुख है तो भी यह वो साथी हैं जो बदल जाएंगे परमानेंट नहीं है ये परमानेंट ना सुख परमानेंट न दुख परमानेंट आने जाने वाले मेहमान हैं इससे ज्यादा इनको जगह मत दीजिए बहुत चौकन्ना रही बहुत सावधान बहुत सुख हो जाए तो ज्यादा सावधान हो जाना दुख आ जाए सावधान होना ही पड़ेगा होना ही पड़ेगा ना सुख में ज्यादा सावधानी की जरूरत है हम लोगों के जीवन को सौभाग्य लगता है संतों के आशीर्वाद से ईश्वर के स्मरण से तो वो ईश्वर स्मरण और सत्संग बस दो का पल्ला कभी नहीं छूटना चाहिए बाकी तो फिर वो गरीबी हो कि अमीरी हो तुम्हारी तो बादशाही एक अलग चलती रहेगी एकदम ब्यूटीफुल वाली चलती रहेगी एकदम बढ़िया वाली वो तो हमारे एक महात्मा कहा करते थे कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो जंगल में रहो या बस्ती में रहो जहां भी रहो मस्ती से रहो तो सुमिरन सत्संग विवेक विचार स्वाध्याय जब ये चल रहा है मस्ती कहीं जाएगी नहीं अभी एक न्यूजीलैंड से ऑकलैंड से आए हुए थे हमारे शिष्य तो रिटायर्ड हैं सेवेंटी नाइन एटी ईयर्स के अब होने लगे तो पिछले कई सालों से कई सालों से कहते मेरी एक ही दिनचर्या होती है कहते करीब करीब ढाई घंटा सुबह और करीब करीब तीन घंटा मेरा रात से पहले तलक मैं साधना का क्रम बना रखा है तो मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ और खा पी के जब उनका मकान जो है ना वो पहाड़ के ऊपर है और नीचे वैली इतनी सुंदर दिखती है आ, मुझे बहुत प्रिय था उस बैल्कनी में बैठना कहते मैं वहीं बैल्कनी में बैठता हूँ उसी कुर्सी में बैठता हूँ और नीचे देखता हूँ तो टिमटिमाती हुई सारी रोशनियाँ देखते हुए कहते मन इतना शांत हो चुका होता है दिन भर की साधना के बाद थोड़ा उस एकांत को थोड़ी उस चुप्पी को थोड़े उन रोशनियों को देखते देखते एक त्राटक सी हो जाती है फिर आंखें बोझिल हो जाती तो जाके सो जाता हूँ सुबह बोले अपने समय पे आंख खुल जाती है खाना पीना बड़ा संयमित है तो शरीर में कोई रोग नहीं है बोले बड़े मजे आ रहे मेरे को बड़े मजे है आ, साल में एक बार दो बार वो मेरे पास आते हैं यहां पर बोले मेरी बैटरी चार्ज हो जाती फिर अगले छह महीने मेरे अच्छे निकलते बोले फिर आ जाता हूं तो अब उसका घर घर कहाँ रह गया घर तो आश्रम हो गया उसका एकदम सुंदर इतना प्यारा जीवन तो ये ये जो खुशी ये जो मस्ती ये जो आनंद है ना इसके सृजक तुम स्वयं हो सकते हो तो बनो भगवान कृपा कर दो भगवान कृपा ध्यान से सुनो भगवान बोल रहे हैं ये कृपा तुम तुम्हारे ऊपर कर सकते हो अच्छा किसी दिन ऐसा ना मतलब जरूरी तो नहीं ना कि बोझल बोझल सड़े सड़े ही उठो सुबह ना किसी दिन सम डे डू इट समे मे बी टू मॉर्निंग यू डू इट एंड दे आंख खुले ना तो आम, टीवी पे या मोबाइल पे उसका सदुपयोग करो कोई बहुत बढ़िया वाला कीर्तन लगाओ और बिस्तरे से ही नाचते हुए बाथरूम जाओ स्लिप नहीं हो जाना तो मतलब ख्याल रखना इसका तो जब तुम पैर वैर पोछ लो अपने तो फिर से नाचते हुए तुम आओ कि जब तलक वो कीर्तन चल रहा है तुम बस नाचते रहना नाचते रहना तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे घर वाले के पागल हो गए हैं लहा हो गए फॉर गुड है ना फॉर गुड so, किसी दिन इसको करना पति पत्नी अगर दोनों यहाँ हैं और दोनों मेरी बात को सुन रहे हैं तो और भी अच्छी बात है दोनों डांस करो लड़ते भी तो दोनों ही हो ना जूता चप्पल भी तो मालूम है मेरे को ये बड़ी बड़ी मूछों को ताऊ बाहर ही देते घर में तो देखो जरा फिर आ, तो दोनों पति पत्नी अगर आते हैं या बहन भाई हैं जो यहाँ आते हैं या फुल फैमिली अगर आती कभी इसको करके देखिए कि शाम है कि रात है वो किसी दिन सुबह बिल्कुल मॉर्निंग बिल्कुल सुबह पहला काम यही है वो है कि जी खोल के तुम ना नाचने का मतलब इट्स नॉट मेकिंग अ पोज और डूइंग सम एक्शन और यू आर नॉट गोइंग टू डू भरतनाट्यम और बैले और सालसा इट्स नॉट दैट डांस मीन्स जस्ट वाइल्ड मूवमेंट्स आंख बंद करके बस शरीर इधर उधर टांग इधर उधर कुर्सी में हटा लेना मतलब मुझे बताना पड़ेगा ना बाद में टांग तोड़वा लो बोलो गुरु मां ने कहा था तो गुरु मां ने ये तो नहीं कहा था ना कि बेवकूफों की तरह तो थोड़ा सामान हटा लो जगह खाली कर लो और फिर तुम करके देखो इसको एक अजीब सी मस्ती आ जाएगी और फिर इसी खुशी खुशी के साथ खाओ पकाओ काम पे जाओ अच्छी ऊर्जा के साथ निकलोगे सब बढ़िया होगा सब अच्छा होगा जब आप ऐसे सोचते हैं ना एक आखिरी संस्मरण पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एक अन्य महात्मा के साथ कार में सफर कर रहे थे बॉम्बे में और ये मौसम था बारिशों का बड़ा पानी भरा हुआ था तो वो एक बड़ी तेज रफ्तार से एक कार पास हुई और सड़क पे पानी भरा हुआ था तो पानी उछल के ऐसे गिरा के इनके ऊपर कार के अंदर भी सबके ऊपर ये गंदा बारिश वाला पानी गिर गया तो जो स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज थे साथ में स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज बड़ी जोर से हंसे तो बोले क्या हुआ हंस क्यों रहे हैं सोचो गंदा पानी उनके ऊपर गिरा और वह हंस रहे हैं <laughs> तो उनसे पूछा हा स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने कह रहे स्वामी जी क्यों हंस रहे हो कह रहे आज तक भगवान का चरनामृत लिया था आज कार का चरनामृत ले लिया क्योंकि जब वो पानी गिरा तो ना थोड़ा मुंह में भी चला गया उनके तो कहते आज कार का भी चरनामृत ले आज तक तो भगवान का चरणामृत लिया था तो बोले ये बैठे बैठा ये जो चरणामृत हमको मिला है तो हंस रहे अभी कोई और होगा तो वो गाली दे सकता है गुस्सा कर सकता है कपड़े गंदे कर दिए बेवकूफ आदमी अकल नहीं अंधा मारो इसको पकड़ो इसको और यहाँ वो हंस रहे कीचड़ वाला पानी मुंह में डलवा के उसको भी भगवान का चरणामृत कह रहे हैं कैसी अद्भुत सोच होती महात्माओं की इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड अ स्वामी हु इज डिस्ट्रेसिंग और

रोज अच्छा हो कैसे हो ठीक है कैसे हो ठीक है फिर मिले कैसे हो कुछ ना पूछो गिर गए हड्डी टूट गई यह हो गया बीपी बढ़ गया खून निकल गया फला हो गया कि, कितनी एक्साइटमेंट हो गई ना और फिर पंद्रह दिन बाद मिले कैसे हो सारा कुछ ठीक हो गया तो। तो सब ठीक होने में भी कुछ ठीक नहीं होता इसलिए कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ ऊपर कुछ नीचे। होता रहना चाहिए होता रहना चाहिए <laughs> हमेशा सम्मान ही मिले इसका क्या मजा कभी कभी अपमान भी मिलना चाहिए जब अपमान मिले तो घबराओ मत डरो मत लड़ो मत सड़ो मत इस चेंज ऑफ फ्लेवर हैपनिंग सो एंजॉय दैट तो ये मकर संक्रांति तुम सबके लिए शुभ हो आप अपने जीवन को जो बातें मैंने कही उसके अनुसार कोशिश करिए आप उसमें से कुछ चंद बातें कुछ थोड़ी सी बातें भी अगर आप ले आएंगे तो आपके जीवन में आनंद रहे सुख रहे स्वास्थ्य रहे खुशी रहे प्रसन्नता रहे विवेक रहे ज्ञान की उष्मा और ऊर्जा रहे ये मंगल कामना मैं आप सबके लिए करती हूँ मकर संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत बधाई बहुत प्रेम